नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा आप देख सकते हैं, बीपीएससी 68th पीटी की रणनीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, एग्जाम का डेट अभी नहीं पता है, लेकिन संभावना है कि नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट में आ सकता है, इसी महीने के अंत में, और एग्जाम जो है वो 8 जनवरी को तो नहीं लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना है। साथ ही इस बार अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, उन्होंने पैटर्न में बदलाव की भी घोषणा की है और साथ में निगेटिव मार्किंग पर भी चर्चा हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही बुक लिस्ट क्या हो, 68th पीटी में बुक लिस्ट आपकी क्या हो, नए पैटर्न के अनुसार निगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल किया जाए, किन सब्जेक्ट पर विशेष रूप से फोकस किया जाए, पैटर्न क्या होता है, नए नए स्टूडेंट्स जो भी होंगे उनको पैटर्न भी हो सकता है नहीं पता हो, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पीटी में पूछे जाते हैं यह भी नहीं पता हो सकता है ऐसा, तो एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे हम लोग रणनीति की। पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, स्पेशली हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, इन सब के लिए कौन कौन सा नोट्स और मटेरियल पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, यह सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, और जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट जरूर लिखिएगा, अपनी सुझाव, समस्याएं इत्यादि बताते रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या होगा, क्योंकि पैटर्न अभी निर्धारित नहीं है, पैटर्न चेंज की होने की घोषणा की गई है, तो आखिर एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या होगा वो हम लोग देख करके यहां पर चलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कहने का मतलब कि जो होने की संभावना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो सकता है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी, जो पहले हुआ करती थी वही होगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है उसके हिसाब से 100 क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे जो कि एक नंबर के होंगे, और 50 क्वेश्चंस जो होंगे उनमें स्टार मार्का लगा हुआ रहेगा और ये जो होंगे वो दो नंबर के होंगे, इस तरह का पैटर्न की बात की जा रही है, और ये जो 50 क्वेश्चंस होंगे इनमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, इनमें निगेटिव मार्किंग होगी, हालांकि निगेटिव मार्किंग पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि निगेटिव मार्किंग के लिए कौन से 3 विकल्प दिए गए, क्योंकि बीपीएससी जो है वो लोकतांत्रिक हो गई है और अब स्टूडेंट से पूछ करके यह तय किया जाएगा कि निगेटिव मार्किंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो पूरे क्वेश्चन पर होनी चाहिए या 50 क्वेश्चन पर ही होनी चाहिए, और कितना होना चाहिए यह भी पूछा जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग के बारे में अलग से एक वीडियो बनाना जरूरी है, जो कि मैं बना करके आपको दे दूंगा। फिलहाल जानिए कि 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो एक नंबर के होंगे जो कि आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, और 50 क्वेश्चन स्टार मार्क होंगे जिनमें दो नंबर होंगे, तो टोटल अंक कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न, जो कि पीटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने अंक पूछे जाएंगे इसके बारे में। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि आखिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस में कितने पूछे जाते रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आते हैं यदि हम लोग हिस्ट्री पर, तो हिस्ट्री से जो है टोटल 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आप मान करके चलिए कि इससे जरूर पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। जी हाँ, अगर हम लोग हिस्ट्री को भी बांट करके देखें तो आपका मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो होता है वो मॉडर्न से होता है। उसके बाद आपका एंशियंट हो गया और हो गया आपका मेडिएवल। ठीक है, तो एंशियंट और मेडिएवल को यदि हम लोग देख लें तो 8 से 10 या फिर 8 से 10 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं, 10 से 8 कर सकते हैं, इसको भी 8 कर सकते हैं, इन दोनों में वैरी करता है, कभी एंशियंट से ज़्यादा पूछ देगा, कभी मेडिएवल से ज़्यादा पूछ देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से होता है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ से होता है, फ्रीडम स्ट्रगल से होता है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल से होता है, स्वतंत्रता संघर्ष से होता है, और इसमें भी बिहार की जो भूमिका है उससे विशेष रूप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, बिहार की भूमिका, और बिहार में भी क्या पूछा जाता है। देखिए, जैसे किसान आंदोलन,
किसान आंदोलन जो है उसमें सहजानंद सरस्वती की भूमिका के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है, सहजानंद सरस्वती। उसके बाद आपका चंपारण से जोड़ करके और आपका रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, राजकुमार शुक्ल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि राजकुमार शुक्ल जी ने ही निमंत्रित किया था महात्मा गांधी को, ठीक है, निमंत्रित किया था किसको, महात्मा गांधी को, ताकि आप आइए और चंपारण में विद्रोह कीजिए, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गए थे राजकुमार शुक्ल और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, मतलब नरमपंथी और गर्मपंथी भी एक साथ आ गए थे, साथ ही मुस्लिम लीग के साथ भी कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन हुआ था और उस समय से लगातार जारी रहा था। वहीं पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और चंपारण के किसानों की समस्याओं के बारे में बताया था और गांधी जी को निमंत्रित किया था कि आइए चंपारण में और सत्याग्रह कीजिए, हमारी समस्याओं का निदान कीजिए। तो राजकुमार शुक्ल से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के और जेपी की भूमिका, जयप्रकाश नारायण की भूमिका के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछा जाता है। ये चार क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आपके होते ही होते हैं। जेपी के बारे में आपका एक और पूछा जाता है, बिहार समाजवादी दल या फिर कांग्रेस समाजवादी दल, ठीक है, इससे रिलेट करके जेपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब जो प्रश्न हैं आपके विशेष तौर पर पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। बाकी एंशियंट और मेडिएवल इन सब में अलग अलग मैं वीडियो बना दूंगा कि किस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए अब चलते हैं साइंस में। साइंस में यदि देखें तो साइंस में भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बायोलॉजी से पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन 67th में हमने देखा कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग सबसे बराबर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो किसी एक पर इम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है, तीनों को बार बार आप बारी बारी से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में, उसमें भी मैं बताऊंगा कि फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, लेकिन फिलहाल इसमें हम लोग केवल रणनीति की चर्चा करते हैं। तो 30 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं साइंस से। थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि बुक लिस्ट क्या होगी, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। करेंट अफेयर्स से आपका 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते रहे, ठीक है, ये वैरी करता है, 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। करेंट अफेयर्स में आपका बिहार का भी करेंट अफेयर्स होता है और साथ में इंडिया लेवल का करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स भी होता है। करेंट अफेयर्स पर भी मैं स्पेशल वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और इसका बुक लिस्ट क्या होगा। इसके बाद आते हैं बिहार स्पेशल, इससे भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है, ये भी वैरी करता है, 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को मिला करके, ये मैं बता रहा हूँ, केवल बिहार का स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और साथ में बिहार का जो बिहार की जो जनगणना है, बिहार का बजट है, बिहार की अर्थव्यवस्था है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, ये सब फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये सब को मिला करके 20 से 25 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपका 10 से 12 या 15 तक का रेंज ले सकते हैं, ये भी वैरी करता है, किसी साल कम पूछता है, किसी साल ज़्यादा पूछता है, किसी साल 8 भी पूछ सकता है। और पॉलिटी का भी सेम टू सेम है, 10 से 15, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं। सब के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और नोट्स और मटेरियल बताऊंगा कि आपको कहां कहां से पढ़ना है इसी वीडियो में। चलिए अदर्स में आपका स्टैटिक पोर्शन आता है जिसमें इन सब सब्जेक्ट से अलग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी जो होते हैं आपके 4 से 5 की संख्या में जरूर होते हैं। और ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा जाता है और साथ में बिहार का ज्योग्राफी भी पूछा जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार के ज्योग्राफी पर विशेष इंफेसिस जरूर देना चाहिए आपको, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी लगभग सब लोगों को पता होती है, जो बाहर के लोग हैं, बिहार के बाहर के लोग हैं उनको बिहार के ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होती है और जो लोग नॉर्मली तैयारी करते हैं उनको वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी थोड़ा मैपिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है और मैपिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है। तो आपका कंट्रोल होना चाहिए इंडिया के मैप पर भी, बिहार के मैप पर भी और वर्ल्ड के मैप पर भी पूरी रणनीति के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, ये तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का देख लिए, अब चलते हैं बुक लिस्ट के बारे में देखते हैं कि आखिर हिस्ट्री में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं,
ठीक है, स्पेक्ट्रम आता है, राजीव अहिर की किताब आती है, आप सब लोग अगर तैयारी करते हैं तो जानते ही होंगे, स्पेक्ट्रम की किताब आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप स्पेक्ट्रम के अलावा आप फॉलो कर सकते हैं इसके पांडे की किताब, ठीक है, दोनों में से कोई एक किताब फॉलो कीजिए, ठीक है। मॉडर्न ये आपका स्पेक्ट्रम जो होता है पीटी मेंस दोनों के लिए होता है, इसके पांडे विशेष रूप से पीटी के लिए लिखी गई किताब है और बहुत ही सरल भाषा में बहुत अच्छे से लिखा गया है, तो इसके पांडे मैंने फॉलो किया है, आप भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके पांडे का 3 वॉल्यूम आता है, तीनों के लिए, एंशियंट, मीडिएवल और मॉडर्न, तीनों के लिए आप इसके पांडे को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक काम जो बिल्कुल करना है, निश्चित तौर पर करना है, वो है घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको लगा लेना है। घटना चक्र की 2 किताबें आती हैं, एक आता है जिसमें बीपीएससी का ही केवल क्वेश्चंस होता है, सारे सब्जेक्ट का एक साथ पतली सी किताब आती है, ठीक है। उसके अलावा घटना चक्र का अलग अलग सब्जेक्ट का 8 वॉल्यूम के आसपास में आता है, साइंस का अलग आता है, हिस्ट्री का अलग आता है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में जितने भी पीसीएस हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, या यूपीएससी क्यों ना हो, उन सब में जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सब का कॉम्पाइलेशन होता है और डिटेल में चर्चा भी की रहती है हर एक क्वेश्चन के बारे में। तो वो घटना चक्र का जो स्पेशल सीरीज आता है हिस्ट्री का और साइंस का, वो आपको जरूर बनाना लगा है, ठीक है। तो इसके पांडे की किताब फॉलो कीजिए या फिर स्पेक्ट्रम की किताब फॉलो कीजिए और घटना चक्र से बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और बाकी जो अन्य पीसीएस है उनका भी क्वेश्चन जरूर बना लीजिए। 1 या 2 बार ये घटना चक्र कर लीजिए, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लीजिए, उससे नोट्स तैयार कर लीजिए, छोटा छोटा अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा हिस्ट्री में, ठीक है। एंशिएंट और मीडिएवल की बात करें तो यहां पर भी इसके पांडे को आप फॉलो कर सकते हैं या फिर इसमें आपका लूसेंट से भी काम चल जाएगा। लूसेंट से आप यदि कर लेते हैं टोटल जितना भी लूसेंट में एंशिएंट और मीडिएवल का पार्ट दिया हुआ है, यदि आप पढ़ लेते हैं सब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना लेते हैं और साथ में घटना चक्र कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस यही 2 किताबें हैं जो कि आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, मैं इतना ही कहूँगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हिस्ट्री का हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं साइंस के लिए। साइंस के लिए एकमात्र सोर्स मैं कहूँगा लूसेंट का, जो साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सब्जेक्टिव आता है, ठीक है, वो पढ़ डालिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ में जो मैंने बताया घटना चक्र, वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है, घटना चक्र निश्चित तौर पर बनाना है, साइंस का भी, ठीक है, हिस्ट्री का भी बनाना है, साइंस का भी बनाना है, ये दोनों तो भूल करके भी नहीं छोड़ना है, निश्चित तौर पर आपको बनाना है। घटना चक्र से बहुत सारे क्वेश्चन 67th में भी आए हैं और पहले भी आते रहे हैं, ठीक है। तो लूसेंट साइंस आपके लिए इनफ होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक है। इसमें भी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि किन किन पॉइंट्स पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है और कहाँ से बार बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछता आया है, तो वो वीडियोज का इंतजार करिए और वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में लोग क्या करते हैं ना कि आखिरी समय के लिए छोड़ देते हैं कि परीक्षा का डेट वेट आ जाएगा, 10-15 दिन पहले पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, ऐसा मत कीजिए। अभी से आपके पास टाइम है, कम से कम 2 घंटा डेली करंट अफेयर्स को जरूर दीजिए, ठीक है, और मंथ वाइज पढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो उसके लिए आप यदि मंथली मैगजीन लेते हैं, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मंथली मैगजीन यदि आप लेते हैं तो निश्चित तौर पर फॉलो कीजिए, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, परीक्षा मंथन हो या फिर आपका दृष्टि हो, कोई भी आप जो लेते हैं तो निश्चित तौर पर फॉलो कीजिए। और एग्ज़ाम से पहले आप कोई भी एक एनुअल मैगजीन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग यूट्यूब चैनल्स जो हैं अलग अलग YouTube चैनल्स जो हैं वो भी अपना कॉम्पिलेशन देते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। करेंट अफेयर्स आपको डेली करना है, मंथ वाइज करना है, लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना है, यही एकमात्र रणनीति है, ठीक है, करेंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, 30 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन, तो आपको निश्चित तौर पर इम्फेसिस दे करके करना है। बाकी जब करेंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बिहार स्पेशल। इसके लिए मार्केट में आपको क्राउन की किताब मिल जाएगी, ठीक है, या फिर नैनो की किताब मिल जाएगी, या फिर आपका इम्तियाज अहमद की किताब मिल जाएगी, ठीक है, इम्तियाज अहमद की, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक किताब ले सकते हैं, या फिर आजकल जो है आपका मनीष रंजन
या फिर आपका महेश बर्नवाल की किताब भी खूब चल रही है, ठीक है। तो ये पांच किताबें आपको मार्केट में मिलती हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि क्राउन या नैनो ले लीजिए और एक किताब पढ़िए, उसका ऑब्जेक्टिव जो है इम्तियाज अहमद का ले लीजिए, वो बना लीजिए। इसी का आता है बिहार स्पेशल का ही ऑब्जेक्टिव भी आता है इम्तियाज अहमद का, तो एक ऑब्जेक्टिव लेकर के बना लीजिए यदि समय मिले तो। एक सब्जेक्टिव किताब कोई भी क्राउन या नैनो या इम्तियाज अहमद, तीनों में से कोई भी एक पढ़ लीजिए, और साथ में अगर चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख सकते हैं। कभी भी पढ़ाई में मन न लगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वीडियो देख करके सारी तैयारी हो जाएगी, लेकिन कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, हो सकता है किताब पढ़ने का इच्छा ना हो, तो आप कान में ईयरफोन लगा करके और बैठे बैठे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, या सुन सकते हैं, कि ना देखेंगे केवल सुन भी लेंगे तब भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर जा करके सारा वीडियो देख जाइए, बहुत ही बहुत 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 काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट सोर्स है। चलिए अब देख लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जनरली लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत, और ये पॉलिटी का बाइबल माना जाता है, जो कि बेस्ट किताब है। पीटी और मेंस दोनों की तैयारी आपकी इससे हो जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लूसेंट पढ़िए, ठीक है। आजकल जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, वो आपका लक्ष्मीकांत से भी बहुत हद तक मैच नहीं करता। ऐसे ऐसे अनुच्छेद पूछ दे रहा है बीच बीच से करके उठा के, कि आपका लक्ष्मीकांत से भी मैच नहीं कर रहा, तो अलग तरह के विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप एक काम करिए, आप पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी बना जाइए, ठीक है। जैसे घटना चक्र आता है ना, उसी तरीके से परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की भी किताब आती है, तो परीक्षा वाणी भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही कॉम्पाइलेशन होता है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए रहते हैं। तो परीक्षा वाणी का आप बना जाइए पॉलिटी, और साथ में लूसेंट पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लीजिए, वैसे परीक्षा वाणी बना लीजिएगा तो लूसेंट पढ़ने की आवश्यकता होगी ही नहीं, ठीक है। तो मैं परीक्षा वाणी को प्रीफर करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, चूंकि टाइम कम है। यदि आप पहले से पढ़ते आए हैं तो लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट, ओके। चलिए अब आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में भी आप परीक्षा वाणी बना सकते हैं। परीक्षा वाणी का भारतीय भूगोल और आपका विश्व का भूगोल दोनों आता है, यदि आप चाहें तो बना सकते हैं। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग महेश बर्नवाल से पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी किताब है, तो महेश बर्नवाल की किताब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर शुरुआत से आपने एनसीईआरटी पढ़ा है और उसका नोट्स बनाया है तो उसका भी रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, या तो परीक्षा वाणी कर लीजिए, या फिर महेश बर्नवाल की किताब पढ़ लीजिए, या फिर एनसीईआरटी का यदि आपने नोट्स बनाया है और पहले से पढ़ते आए हैं तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि लूसेंट 20 दिनों में कैसे पढ़ें, और अलग अलग सब्जेक्ट को चार चार घंटे में बना वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, लूसेंट वैक्सीन करके, क्योंकि उस समय कोरोना का समय चल रहा था तो मैंने लूसेंट का वैक्सीन बना दिया था, है ना। तो वहां पर जाकर के वो देख सकते हैं आप 20 दिनों में लूसेंट कैसे कंप्लीट करें, या फिर लूसेंट के अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं दिए हुए उनको चार घंटे में कैसे पढ़ सकते हैं। कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर देख करके आप अपने लूसेंट में टिक लगा करके केवल वही पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक तैयारी हो जाएगी, आपका समय काफी बच जाएगा, ठीक है। मैथ्स जो है, मैथ्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, निगेटिव मार्किंग चूंकि आ चुका है, और मैथ में आप जानते हैं कि बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं आप, 100/100 नंबर, मतलब कि 10 क्वेश्चंस होते हैं तो 10 में 10 क्वेश्चंस आप मैथ्स के कर सकते हैं, इसलिए मैथ्स को लास्ट टाइम के लिए मत छोड़िए। यदि अच्छा है तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर बुरा है तो उसको एवरेज लेवल पर ले जाइए, ताकि 10 में से कम 7-8 क्वेश्चन आप बना सके, ठीक है। निगेटिव मार्किंग हो गया है तो मैथ्स का महत्व जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स पर बिल्कुल फोकस करना है, और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, उतना काफी है, ठीक है। और यदि बेसिक्स आपका अच्छा नहीं है मैथ का, तो आप आरएस अग्रवाल की किताब जो है वो देख सकते हैं, आरएस अग्रवाल की किताब बेसिक्स के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। एक घंटा डेली दीजिएगा, काम हो जाएगा। अदर्स के लिए आपका लूसेंट एनफ है, लूसेंट इज एनफ, लूसेंट पढ़िए, अदर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्टैटिक पोर्शन जो भी होता है, ठीक। बाकी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो आएगा, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स में बताऊंगा और उसमें डिटेल से चर्चा करूंगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में। इसमें हम लोग कंप्लीट रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिस एंड रिविजन। देखिए, बुक आपका हो गया, पैटर्न आपने जान लिया, सिलेबस मैं बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। अब प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है
पीटी एग्जाम के लिहाज से, या फिर मेंस में भी आप देखते होंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने कहा जाता है। पीटी में भी आपका जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितना भी आप किताब पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, नियत समय पर कैसे बनाने हैं, अगर वो आपको नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट उठा करके डाल दिए जाते हैं। बीपीएससी का आज तक का ऐसा इतिहास रहा है, या फिर मॉक टेस्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस खास करके करंट अफेयर्स के डायरेक्ट लड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए क्या करना है, रीड बुक्स, पहले तो किताब पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं आप, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव के साथ साथ लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का किताब भी आता है, उससे कर सकते हैं आप, घटना चक्र से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बीपीएससी का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होता है वो किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए और आप कर जाइए। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो विभिन्न कोचिंग्स जो हैं वो मॉक टेस्ट निकालते हैं, विभिन्न कोचिंग है अलग अलग, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो सब भी मॉक टेस्ट कराते हैं, तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको टेस्ट बुक वगैरह का वेबसाइट है, वहां पर ऑनलाइन तैयारी का वेबसाइट है, वहां पर आपको भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं कि बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप रेलवे का भी क्वेश्चन यदि फॉलो करते हैं, या फिर एसएससी का भी क्वेश्चंस फॉलो करते हैं, या फिर अन्य पीसीएस के भी क्वेश्चंस फॉलो करते हैं, बनाते रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा प्रैक्टिस करने का। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज मैंने बता दिया, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज लगभग एक ही चीज़ है, तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको टेस्ट लिया जाता है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लगातार वहां पर टेस्ट सीरीज चलता रहता है, तो उसमें भी आप पार्ट ले सकते हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे, यदि मेंस से मुझे फुर्सत मिली तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ टेस्ट सीरीज मैं भी प्रोवाइड कराऊं। रिवीजन, जी हाँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उसको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किताब पढ़ लिया और उसके बाद दिमाग खाली हो गया, 10 दिन के बाद भूल गया सारा कुछ, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा कि मैं पास कर सकता हूँ, और परफॉर्मेंस आपका बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए 3-2-1 फॉर्मूला अपना सकते हैं आप। एक डायरी बनाइए, देखिए 3-2-1 फॉर्मूला क्या है, एक डायरी बनाइए, ठीक है, एक डायरी बनाइए और उसके बाद जो है उसमें डेट दे दिए, जैसे आज का डेट क्या है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 10 तारीख है, और आज भारत का मैच भी है इंग्लैंड के साथ, जो कि देखना भी है मुझे, तो आज 10 तारीख है, ठीक है, 10 तारीख को मैंने लिख दिया कि मैंने मान लिया सिंधु सभ्यता पढ़ा है, ठीक है, सिंधु सभ्यता पढ़ा, इसके बाद मैंने राष्ट्रपति पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद मैंने करेंट अफेयर्स का कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, ये तीन चीज़ मैंने पढ़ी, ठीक, मान लिया ये एक उदाहरण है, 10 तारीख को मैंने ये पढ़ा, तो 3 दिन के बाद के डेट में, जैसे 10 तारीख हो गया तो 11, 12, 13 और 14 तारीख के डेट में सेम टॉपिक मैं मेंशन कर दूंगा अपने डायरी में कि 14 तारीख को मुझे इसका रिवीजन करना है, ठीक है, तो 3 दिन के बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद फिर क्या करिए, 2 दिन के बाद रिवीजन कर लीजिए, उस नहीं सॉरी 3 दिन के बाद ये हो गया, उसके बाद क्या करिए कि आप 1 सप्ताह के बाद का डेट दे दीजिए, 1 सप्ताह के बाद का डेट दीजिए, जैसे 14 तारीख है ना, तो 14 तारीख को आपने दिया, 14 तारीख से 1 सप्ताह बाद कितना तारीख होता है, 21 तारीख होता है, ठीक है, तो 21 तारीख का डेट दे दीजिए, ठीक, और 2 यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसलिए 3-2-1 होता है, जो कि 1 साल की तैयारी के लिए होता है, तो आप 3 और 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, 3 दिन के बाद रिवीजन कर लीजिए और 1 सप्ताह के बाद रिवीजन कर लीजिए, यह काफ़ी होगा आपका, चूंकि साल भर का रिवीजन आपका नहीं है, 2 ही महीना बचा हुआ है, इसलिए 2 को मैंने बीच से गायब कर दिया। ये 3-2-1 फॉर्मूला आपको मेरे बहुत सारे वीडियोज में मिल जाएगा, तो ये रिवीजन के लिए आप कर सकते हैं। 10 तारीख को आपने पढ़ लिया, 14 तारीख को रिवीजन कर लिया, और उसके बाद फिर 21 तारीख को सेम टॉपिक आपने रिवीजन कर लिया। इसी तरीके से कल जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके 3 दिन के बाद लिख दीजिए, फिर 1 सप्ताह के बाद लिख लीजिए। 3 बार आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपका दिमाग में अंकित हो जाता है, आपके क्या कहते हैं परमानेंट मेमोरी में वो आ जाता है। अब चलते हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें होती है, एक तो डूज होता है, एक डोंट्स होता है, मतलब क्या करना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको करना क्या है, व्हाट टू डू। तो सबसे पहला आता है प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जैसे मैंने कहा कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है, खास करके पीटी में, ठीक है। तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बताया कि लूसेंट
क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कैसे कर सकते हैं, घटना चक्र से कर सकते हैं, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स और बाकी सब जगहों से, यूट्यूब चैनल्स वगैरह से या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो टेस्ट सीरीज आते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं, उनको लगा सकते हैं आप, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अपने चैनल पर भी 25-25 क्वेश्चन का सेट जो है हर एक सब्जेक्ट का चलाऊं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ। Have faith and confidence, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि विश्वास हो अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। अगर कोई भी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। 2 महीने में तैयारी हो सकती है बीपीएससी की, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, 8 से 10 घंटा लग करके लगातार पढ़ना होगा। ये विश्वास होना चाहिए अपने अंदर, अपनी एबिलिटी पर विश्वास होना चाहिए, अपने मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे, अगर अंदर से आप पॉजिटिव नहीं होंगे, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, तो ये दिक्कत कर देगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और फेथ होना जरूरी है, ठीक है। और फेथ केवल अपने आप पर होना जरूरी नहीं है, आप जो रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं उन पर भी फेथ होना जरूरी है। क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले या फिर अलग अलग मेंटर्स जो होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो होंगे, वो अलग अलग रिसोर्सेज बताएंगे। तो आपको कोई भी एक रिसोर्स फिक्स कर लेना है और उस पर स्टिक रहना है, उसी को बार बार पढ़ना है, बार बार अपना रिसोर्सेज चेंज नहीं करना है, अपना बुक लिस्ट नहीं बदलना है या फिर मटेरियल चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए और जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं, जो रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं, उस पर भी विश्वास आपको जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कीप इन माइंड, क्या माइंड में रखना है, निगेटिव मार्किंग। जब आप क्वेश्चंस बना रहे हो तो निगेटिव मार्किंग पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और जो आपके स्टार मार्क का क्वेश्चंस होंगे, जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, उनको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको विशेष रूप से बेनिफिट भी हो सकता है और विशेष रूप से आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है इस बार, और कुछ क्वेश्चंस स्टार मार्क का भी होंगे, ठीक है, ये निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। उसके बाद क्या, मेक टारगेट एंड कंप्लीट इन टाइम। डेली का अपना एक टारगेट बनाइए कि डेली, आज मान लिया 9 तारीख है, मैं आज सोने जा रहा हूँ, तो सोने के पहले कल का जो मेरा टारगेट होगा वो मैं बना लूंगा कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और फिर कल मैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ूंगा, और रात में सोने से पहले मैं देखूंगा कि आखिर मैंने वो टॉपिक्स कंप्लीट किए कि नहीं किए। अगर किए तो बहुत अच्छा, आपका अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, माहौल अच्छा होगा, आप खुश होंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट डे का टारगेट कंप्लीट करेंगे। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो अपने आप से सवाल कीजिए कि आखिर मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरे साथ कोई मजबूरी हो गई, कोई हादसा हो गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी काम में व्यस्त हो गया, या फिर मैंने जानबूझ करके टाल दिया क्योंकि इंडिया का मैच था इंग्लैंड के साथ। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान देनी होगी। मैं दोस्तों के साथ टफरी करने तो नहीं निकल गया, मैं कहीं मार्केट में तो नहीं अपना समय बर्बाद कर दिया, मैं चाय पीने में अपना समय तो नहीं बर्बाद कर दिया, किस कारण से मैंने ये नहीं किया, ठीक है। तो आपका डेली का टारगेट होना चाहिए, वीकली टारगेट भी होना चाहिए। आप डेली टारगेट भी बनाइए, वीकली टारगेट भी बनाइए, और मंथ वाइज टारगेट भी बनाइए। अगर 2 महीने का है तो 30 दिन का टारगेट बनाइए, 7 दिन का टारगेट बनाइए, और डेली का टारगेट बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट बनाइए और उसको समय पर कंप्लीट करने की कोशिश भी करिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन बनाते हैं, ठीक है, कि इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, सबका एक रूटीन बना लेते हैं। तो वो रूटीन कभी फॉलो नहीं होता है, मैंने भी बहुत बार बनाया, कभी फॉलो नहीं होता है। तो उस तरह का बचकाना रूटीन मत बनाइए, और जो टारगेट बनाइए वो भी फ्लेक्सिबल बनाइए। ऐसा मत बनाइए, इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल मत रख लीजिए, इतना ज़्यादा टाइट टारगेट मत बना लीजिए जो कंप्लीट ही ना हो, क्योंकि लगातार टारगेट आपका कंप्लीट नहीं होगा तो भी आप अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। तो टारगेट आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल, ठीक है, जिसको आप कंप्लीट कर सके, ऐसा टारगेट बनाइए, ठीक है। तो इसमें आपको दिमाग भी लगाना होगा। चलिए अब देख लेते हैं व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो हमने जान लिया कि प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है, डेली टारगेट बनाना है, और कुछ चीजों को दिमाग में रखना है। बाकी परीक्षा हॉल में क्या करना है, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, पहला है कि वेस्टिंग टाइम इज अ ब्लंडर, अपना टाइम बर्बाद करना। समय जो होता है ना वो पैसों से भी ज्यादा कीमती होता है। पैसा अगर आपका गिर गया तो दोबारा आप कमा सकते हैं या उठा सकते हैं, आपका पैसा खो गया तो दोबारा ले सकते हैं, लेकिन 1 सेकेंड भी आपने बर्बाद किया। मान लिया मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के बदले देख रहा होता, मैच की कमेंट्री देख रहा होता, या फिर कुछ और ऐसा कर रहा होता जिसका मेरे करियर में कोई लाभ नहीं है, तो वो क्या होता, टाइम वेस्ट होता है ना। और अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तो आपको लाभ हो रहा है और मुझे भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी। तो
वेस्ट करना, टाइम को वेस्ट करना, खास करके स्टूडेंट के एज में जब हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। इसलिए व्यर्थ समय मत गवाइए। किसी की शादी है, किसी का मुंडन है, कहीं दोस्त के साथ घूमने जाना है, कहीं फिल्म कोई रिलीज हो रही है, आज मैच है, चलिए ठीक है मैच मान लिया T20 का है, 3 घंटे में समाप्त हो जाता है, तो एक बार मैच देख लीजिए और उसके बाद 21 घंटे जो बचते हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लीजिए। डेली मैच होता भी नहीं है, तो मैच पर मैं विशेष नहीं कहूँगा, सेमीफाइनल फाइनल है तो सबको देखना ही है, लेकिन वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार ऐसा होता है जब हमारे सामने आसान क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बिना पूरा पढ़े ही आंसर दे देते हैं, ठीक है, और वही क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपने गलत कर दिए एग्जाम में, तो फिर आपके पास होने की संभावना जो होती है वो मिनिमल हो जाती है। तो इसलिए 3 से ज़्यादा आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और उसके लिए क्या करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई सिलेबस नहीं छोड़ देना है, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ देना है। मान लीजिए आपका मैथ बहुत अच्छा है, मैथ्स के बैकग्राउंड से, और आपने सोचा मैथ तो बना ही लूंगा, और जाकर के परीक्षा में पता चला अरे यार मुझे तो ये फॉर्मूला ही याद नहीं है, और 2-3 क्वेश्चन छूट गया, तो ये ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, हर सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं केवल आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ के चला जाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं इकोनॉमिक्स का छोटा मोटा बेसिक्स पढ़ लेता हूँ बस, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। उसी तरह से आपका भी कोई सब्जेक्ट कमजोर हो सकता है, तो उसको एवरेज लेवल तक पहुँचा दीजिए, कि अगर 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस तो बना ही दूंगा। वैसे सब्जेक्ट से ज़्यादा इकोनॉमिक्स मैंने बताना भूल गया, तो मैं बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में। डोंट लीव मैथ्स फॉर द लास्ट टाइम। मैथ को लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जैसा मैंने बताया ओवर कॉन्फिडेंट होकर के मैथ को लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आपका कमजोर है तो भी उसको एवरेज लेवल तक ले जाने की कोशिश कीजिए, ताकि 6-7-8 क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर बना सके, ठीक है। और सिल्ली मिस्टेक्स, जी हाँ, सिल्ली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, बहुत मामूली गलतियाँ हम लोग करते हैं, जैसे एग्जाम के दिन टाइम से एग्जाम सेंटर पर ना पहुँचना, या फिर अपना आईडी छोड़ करके जाना, या फिर एडमिट कार्ड ही भूल जाना, ठीक है। इस तरह की जो सिली मिस्टेक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। सिली मिस्टेक्स में ये भी आता है कि करंट अफेयर्स को लास्ट टाइम के लिए छोड़ दिया, मैथ्स को लास्ट टाइम के लिए छोड़ दिया, या फिर लास्ट टाइम में अपना मटेरियल बदल लिया, रिवीजन नहीं करना, ये सब जो है ना मामूली सिली मिस्टेक्स में आते हैं, मामूली गलतियों में आते हैं, जो कि बाद में जा करके ब्लंडर बन जाते हैं जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, ओके। यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अरे से तो पढ़ाई हुआ है, क्या पढ़ना है इस टॉपिक को, लेकिन फिर भी उस टॉपिक को पढ़िए, ये सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। चलिए, अब बेस्ट ऑफ लक लिखना था, लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक्स मैंने नहीं बताया, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं, और इसलिए मैंने लास्ट के लिए इसको छोड़ दिया था, ताकि मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बता सकूं। स्पेशल चीज़ें क्या है कि आपका बिहार और भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे है, वो निश्चित तौर पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण आपको निश्चित तौर पर पढ़ना है। इसके अलावा बजट जो है वो बिहार का विशेष तौर पर, और भारत का भी बजट का समरी आपको देख करके जाना है। इसके अलावा जनगणना भी जो है आपको निश्चित तौर पर देख के जाना है। इसके अलावा जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जनगणना मतलब सेंसस अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो, आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है लेटेस्ट वाला, वो जरूर देख के जाना है। इसके अलावा आपको मिनरल रिपोर्ट जो आता है, ठीक है, लेटेस्ट वाला, वो भी देख के जाना है कि किस स्टेट में या फिर किस ज़िले में सबसे ज़्यादा खनिज कौन से पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको निश्चित तौर पर देख करके जानी है। एक एक दो दो क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाएगा, और ये क्वेश्चंस मिला करके 10 के करीब पहुंच जाएंगे। इकोनॉमी चूँकि मेरा कमज़ोर है, तो मैं केवल आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ के जाता हूँ। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए कोई स्पेशल रिसोर्स मैं नहीं बता सकता। आप कहीं से भी किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लीजिए, या फिर कहीं से भी आपको बेसिक्स मिल जाता है इकोनॉमिक्स का, तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बस आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ता हूँ। वैसे रमेश सिंह की किताब है मेरे पास, लेकिन इतनी ज़्यादा मोटी है कि मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। इतने कम टाइम में इतनी मोटी किताब देख करके ही आपका हालत ख़राब हो जाएगा, और आप गाली देना शुरू कर देंगे हमको। तो दृष्टि का बुकलेट आता है, ठीक है, दृष्टि का एक बुकलेट मैंने लिया था, वो है भी मेरे पास भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो बुकलेट ले सकते हैं आप, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का एक स्पेशल एडिशन आता है हर साल आपका,
इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो ले लीजिए, वहाँ से बेसिक्स पता चल जाएगा, करंट अफेयर्स पता चल जाएगा, और आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पर डालिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये रणनीति पसंद आई होगी। मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि छोड़ा है, अगर खुदा न खास्ता कुछ छूट गया हो तो फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जीरो लेवल से शुरू करके और किस तरीके से एडवांस लेवल तक तैयारी की जा सकती है, प्रैक्टिस, रिवीजन, बुक लिस्ट वगैरह सारा कुछ मैंने बता दिया है। अब आपको बीपीएस से रिलेटेड, मेरे हिसाब से बीपीएससी पीटी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, और बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, झंडा गाड़िए, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक जरूर करिएगा, और नए सदस्य हैं तब भी वीडियो को लाइक करके कमेंट करना तो आपका हक बनता है, लाइक ही तो हमारी खुराक है ना, तो हमको खुराक दीजिएगा तभी तो आउटपुट बढ़िया दे पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं चंद्रवर्धन लेता हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।